जी, मेरा नाम श्रीमती वर्षा शुक्ला है। मैं प्राथमिक शाला कुकरेल में पढ़ाती हूँ। और अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग स्कूल में क्लास नहीं लगा के कुछ दिन हम लोग मोहल्ले में लगाए, पर फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि मतलब जगह की कमी या कुछ भी, मतलब रोज़ एक ही जगह पे बहुत सारे बच्चों का एकत्र होना मतलब अच्छे से संभव नहीं हो पा रहा था। फिर भी हम लोग लगाए, लेकिन फिर हम लोग को ऐसा लगा नहीं, स्कूल के अंदर ही हम लोग कैंपस में, इसलिए विगत दो महीने से यहीं लगा रहे हम लोग। तो ये अनुभव आपका कैसा है जब अंदर में पढ़ाते हैं क्लास के अंदर जी, और अभी बाहर खुले में पढ़ा रहे हैं, तो ये अनुभव? नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा अंतर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि स्कूल जब टाइम से लगते हैं तो सारे के सारे बच्चे आते हैं, और अभी नहीं आ रहे हैं सब बच्चे। कितने बच्चों की कमी हो रही है? मतलब फिर भी जैसे कि हम लोगों के यहाँ 52 बच्चे हैं, तो उसमें 30 से 35 ही आते हैं, और ऐसे जब स्कूल चलता है तो पूरे बच्चे आते हैं उस टाइम, एक दो छोड़ के। बच्चे इसको ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं या क्लास को ज़्यादा एंजॉय? नहीं, एंजॉय तो खैर इसको ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि क्लास जब लगती है तो वो लोग सब अपनी अपनी क्लास में रहते हैं, और अभी सब एक साथ बैठते हैं, अब अलग अलग जगह कहाँ पे बिठाएंगे, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप जो जिस समय लॉकडाउन हुआ, फिर स्कूल बंद हुआ, तो ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई? जी जी। तो आप ऑनलाइन क्लास कर रहे थे? जी, ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, लेकिन वो मुझे लगता है वो बिल्कुल ही औपचारिकता ही थी, क्योंकि उसमें सारे बच्चे जुड़ ही नहीं पा रहे थे, मतलब एक दो फ़ोन रहते और कुछ बच्चे उसमें जुड़ जाते, और मतलब जैसा क्लास में होता है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा औपचारिकता ही मैं कहूँगी। कितने बच्चे हैं स्कूल, और कितने बच्चों के पास फ़ोन था, और कितने बच्चे फ़ोन के अभाव के कारण नहीं जुड़ पा रहे? फ़ोन यदि था भी तो उनके माता पिता उनको नहीं दे रहे थे फ़ोन, तो किसी के पास डाटा नहीं है, तो कोई काम में गया, ये सब हो रहा था। फ़ोन फिर भी था, मान लो जैसे 52 बच्चे हैं तो उसमें मतलब था ही, अधिकांश लोगों के पास फ़ोन था, ऐसा नहीं कहूँगी मैं। सब एंड्रॉयड फ़ोन था? हाँ, सबके पास तो नहीं, लेकिन फिर भी था, अधिकांश बोल सकती हूँ मैं, पूरे ना सही, लेकिन मतलब कोई फ़ोन नहीं दे रहे थे, तो कोई कहीं जा रहे हैं, ऐसे था। उनका जो लर्निंग लेवल में अभी इस बंद के कारण कमी आई है या? नहीं, कमी तो आई है, क्योंकि जिस प्रकार से मतलब अभी जैसे अभी जब हम मोहल्ला क्लास हम ले रहे हैं, तो जैसे जो पहली कक्षा में हैं उन लोगों को अभी आखिरी ही आ गया है, ये माह फरवरी अब चालू हो गया है, तो इतने तक वो लोग मतलब मात्रा में एकदम पहुंच जाते हैं, और वो जानने लगते हैं, सारी संख्या पहचानने लगते हैं, लेकिन अभी ये इतने अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि मतलब जिस प्रकार जैसे क्लास में हम लोग रोज़ ही आते हैं, और रोज़ ही बच्चा उस चीज़ को सुनता है, देखता है, तो फिर वो जानते जाता है ना, ये भी होता है, और अभी ऐसा नहीं हो पाया है इसलिए। और ऐसा भी है कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये आपने पता किया है? जी जी जी, अभी मतलब ऐसा नहीं है कि वो बच्चे बिल्कुल नहीं आते, लेकिन कोई कभी गांव चला जा रहा है, कभी कुछ, और स्कूल होने से मतलब फिर भी वो एकदम ये रहते हैं, जैसे पेरेंट्स भी ना छुट्टी लेना होता है तो वो आते हैं कि मैडम अभी हम लोग थोड़ा सा गाँव जा रहे हैं, फिर आ जाते हैं जल्दी, पर अभी ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा कि यहाँ बाहर बैठकर पढ़ाई करने में बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मुझे भी अच्छा ही लग रहा है, ऐसा नहीं है, अच्छा ही लग रहा है। तो इसको और जब तक नहीं खुलता है तो आप कैसे देख रहे हैं, मतलब किस तरह से चलाएंगे? ऐसे ही चलाएंगे सर, अब स्कूल में अब नहीं बोले हैं तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि सिखाना तो ज़रूरी है, नहीं मतलब उतना तो जाने ना कि वो अगली क्लास में उस चीज़ को फिर से कर सकें जो नई क्लास की चीज़ें हैं, भले ही वो पूरा पाठ ना हम नहीं पढ़ाएंगे, मतलब मैं पाठ तो पढ़ा ही नहीं रही हूँ, नहीं के बराबर, जो बेसिक है वही सिखा रही हूँ। अभी कौन कौन से क्लास के बच्चे बैठे हैं? अभी इसमें सारे क्लास के बच्चे हैं, पहली से लेकर पाँचवीं तक। और ऐसा भी आपको लगता है कि कुछ बच्चे, जैसे शंका किया जा रहा है कि आशंका है कि कुछ बच्चे वापस नहीं आएंगे, ऐसा भी है? नहीं, आएंगे बच्चे तो वापस।
क्योंकि सब यही के बच्चे और आएंगे ही, है ना। और बच्चों का क्या अनुभव है आपसे, उन्होंने क्या शेयर किया इस दौर दरमियान? मतलब बच्चे भी मुझे लगता है ना कि वो स्कूल आना चाह रहे थे, वो भी चाहते हैं कि मतलब हम स्कूल आए, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल कि वो नहीं आना चाह रहे थे, वो भी चाहते हैं कि हम स्कूल आए और जाने, मतलब एकदम पढ़ना ना सही लेकिन उनको अच्छा लगता है, ये है। बच्चे भी और आप भी स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सर, धन्यवाद।